फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, मैं अजीत अंजुम बोल रहा हूँ, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो से। हमारे साथ स्मिता शर्मा हैं। आपका स्टेटमेंट फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, आपको बता रहा हूँ, जो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स थे उनसे आपने बातचीत में कहा, वैसे तो हम लोग 10 करोड़ में आराम से लड़ते हैं, इस बार 15 से 20 के आसपास खर्चा आना चाहिए। सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपने आपसे पूछा कितना खर्चा किस चीज़ पर आता है, आपने कहा कि गाड़ियों पर और बूथ पर 2535 बूथ थे, और आपने कहा 10,000 प्रति पोलिंग सेंटर, इस पर हमें पैसे देने और खर्च करने पड़ते हैं। इसका पहले जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बताऊं कि और आपने क्या-क्या कहा। देखिए, ये गलत बात है, कभी आज तक ये विषय नहीं आया हमारे सामने, जिसने भी रिकॉर्ड किया है, जिसने भी कहा है। मैं साक्षी के भगवान, हमारे आदिवासियों के देवता है, उस स्थान पर मैं खड़ा हूं और यहां पर रानी बघेल इनके स्थान पर खड़ा हूं। आज तक कभी ऐसा विषय आया नहीं। कुलस्ते साहब, और ये जो भी कह रहे हैं चुनाव के बारे में, चुनाव निर्वाचन आयोग की एक सीमा है, उस सीमा के दायरे में रह करके हम लोगों ने अभी तक चुनाव लड़ा है, और इसीलिए लगातार मैंने 6 लोकसभा चुनाव लड़ा, 2 विधानसभा चुनाव लड़ा, इसके पहले एक चुनाव और भी लड़ा जी, वो तो सब हम जानते हैं। चुनाव लड़ने का अपना कुलस्ते साहब एक काम करते हैं, अभी मैंने कुलस्ते साहब कांग्रेस के इतिहास को मैंने तोड़ा है, कुलस्ते साहब गलत काम कांग्रेस करती थी उसका भी पर्दाफाश किया है। कुलस्ते साहब, चुनाव हमेशा आदिवासी क्षेत्र के अंदर अगर हमने कुलस्ते साहब आए तो उसका प्रमाण पूरे इस लोकसभा के लोग और देश के लोगों ने देखा। कुलस्ते साहब, हम ईमानदारी से 24 घंटे मेहनत करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। कुलस्ते साहब, एक चीज चाहते हैं आप, चूंकि कह रहे हैं कि आपने नहीं कहा, आपने जो कहा स्टिंग ऑपरेशन हमारे, सुन लीजिए, आपने जो कहा उसका स्टिंग ऑपरेशन हम दिखा चुके हैं। आपसे कहेंगे वहां अगर टेलीविजन है, आप टेलीविजन सेट के सामने बैठिए, बोलिए बोलिए, आप टेलीविजन सेट के सामने बैठिए, हम दोबारा आपको दिखाते हैं कि आपने क्या कहा, ताकि आपको समझ में आए कि जो अभी आप सरासर झूठ बोल रहे हैं वो आपको दिखेगा कि आपने क्या कहा, क्योंकि जो आपने कहा वो कैमरे में कैद है। आप वो बैठिए टेलीविजन चैनल के सामने, दोबारा दिखाते हैं आपकी तसल्ली के लिए, और दर्शक भी देखें कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या जो स्टिंग ऑपरेशन में फग्गन सिंह कुलस्ते को हमने दिखाया है 10 करोड़ की बात करते हुए, खर्चे की बात करते हुए, 20 करोड़ की बात करते हुए, वो सही है। देखिए, ये जो भी है, देखिए, ये सब चीजें बहुत झूठ है, गलत है, कभी हम लोगों ने इस प्रकार का कभी कोई काम नहीं करते, ये मैं साक्षी होकर के भगवान के सामने इस बात को कहता हूं। कुलस्ते साहब, आप ये तो मान रहे हैं ना कि वीडियो में आप ही नजर आ रहे हैं, जो वीडियो आपको मकरंद दिखा रहे थे फोन पर। देखिए, कभी चुनाव के बारे में हम लोग डिस्कशन ना डिबेट करते, आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं तो स्पष्ट तौर से जनता के जनादेश पर विश्वास करते हैं, जनता की जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के आधार पर गांव तक पहुंचते हैं, लोगों से बात करते। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मैं स्मिता शर्मा बोल रही हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या किया है मैंने तो देखने के बाद मैंने कहा कि कभी हम इस प्रकार की कोई बात कभी करते नहीं। कुलस्ते जी, आप एक मिनट धैर्य रखिए, कुलस्ते जी धैर्य रखिए, लंबा चौड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसलिए जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा करते हैं। कुलस्ते जी, कोई एक शख्स बार बार ऐसे दागदार हो रहा हो उसकी कोई तो वजह हो रही हो। कुलस्ते साहब, कोई एक शख्स, एक सांसद बार बार ऐसे दागदार हो रहा हो उसकी कोई तो वजह होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, मकरन आपको वीडियो दिखा रहे हैं फोन पर, देखिए, आप अपनी ही वीडियो, अपनी ही ऑडियो सुनिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप मकरन को बोलिए वो वीडियो दिखाए, मकरन YouTube हमारे रिपोर्टर आपके साथ करिए और उनको वीडियो दिखाइए ताकि वो वीडियो देखें और उसके बाद हम बात करते हैं। हम बिल्कुल धैर्य से इंतजार कर रहे हैं, आप वीडियो देख लीजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ऑन एयर ही हैं हमारे साथ में, लाइन नहीं काटिएगा। आप जरा सा हमारे रिपोर्टर को बोलिए, जो वीडियो आपको दिखा रहे थे वो वीडियो एक बार फिर से दिखा दे मकरन। मकरन तक शायद चूंकि ईयरपीस, कुलस्ते साहब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, थोड़ा प्लीज मकरन को बोलिए कि वो वीडियो दिखाए आपको। मैं तो आत्मविश्वास के साथ कहता हूं जी, देखिए, हम लोग हमेशा स्पष्टता से राजनीतिक क्षेत्र में, समाज में काम करते हैं, किसी के कहने सिखाने से कभी नहीं करते। और नहीं, हम सिखाने की बात नहीं कर रहे हैं कुलस्ते साहब, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, हमारी आवाज हमारे रिपोर्टर तक नहीं जा रही है, आप जरा सा उनको बोलिए वीडियो आपको दिखा दे, स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो। देखा है, क्या किया है, पूरे देश ने देखा, पता भी नहीं, पूरे देश ने देखा है, नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, बिना देखे कैसे झुठला रहे हैं। संबंधित अभी कोई विषय में डिस्कशन नहीं हुआ, कोई आप बिना देखे कैसे झुठला सकते हैं, जिस वीडियो में आप बकायदा कैद हैं, जिस वीडियो में आप कह रहे हैं कि शराब पर 30 लाख खर्च हो रहा है, डमी कैंडिडेट्स की बात की आपने, 15 लाख खर्च हो रहे हैं, कोई ऐसा चित्र तो दिखाइए, मकरन क्या है, हम लोग भी तो देखे। आप रिपोर्टर को बोलिए, मकरन को बोलिए जो आपके सामने खड़ा है माइक लेकर, कि मकरन मुझे वो वीडियो दिखा दो।
मकरन इनको वीडियो दिखाया जाए। हाँ, वो दिखा रहे हैं, मकरन वीडियो दिखा रहे हैं, हम लाइन पर इंतजार कर रहे हैं आपका। पीसीआर आप अगर जरा स्टिंग चला दें तो मुझे लगता है वो वीडियो मकरन वहां यूट्यूब पे लाइव प्ले आउट हो रहा है, वो देख पाएंगे। मकरन दो तरीके हैं, या तो आप वो लाइव यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक्सपेंसेस लगभग कितना इलेक्शन टाइम पे ही आपको भी सबसे ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है, तो एक हमारे बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन ये एटलीस्ट लोग 7 करोड़ के आसपास आपको फंड दे देंगे। एक्सपेंसेस लगभग कितना आ जाता है इलेक्शन इलेक्शन का? वैसे लास्ट ईयर कितना है? हां देखो लगभग इस समय जाएगा हमारे यहां लगभग YouTube पे लाइव दिखाया जा रहा है वीडियो 12 करोड़ के आसपास, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र है इसलिए उतना बड़ा खर्चा तो नहीं आता, पर थोड़ा इस समय थोड़ा माहौल कुछ ऐसा है, कांग्रेस की सरकार बन गई तो जाएगा 15-20 के आसपास जाना चाहिए, 15-20 करोड़ के आसपास जो पोलिंग सेंटर्स है उसमें हम लोग गए करीब करीब 10,000 पर पोलिंग सेंटर्स, तो वो सबसे ज्यादा हमारा खर्च हो जाता है उन्हीं खर्च का, तो जो टीचर है बाकी जो मैनेजमेंट ये है वो तो सामान्य तौर से जहाँ आवश्यकता है मैनेजमेंट के लिए कुछ डैमेज कंट्रोल ये वो सब, पर वो पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष पर या किसी गांव पर ये हमको जैसे पोलिंग सेंटर से तो ये 2500-2533 हमारे जो पोलिंग सेंटर उनको हमको कॉमन जैसे करते दो पार्ट में हम लोग करते रहते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने उनको 5,000 रुपये दिया और मतदान के 2 दिन पहले, तो मतदान में बैठक करना ये करना पोलिंग सेंटर्स और बाकी वोटर्स को निकालना और ये लगभग ये वैसे तो शहरों में 20-25 करते हैं शहर में हमारे यहाँ दो पार्ट में हम लोग करते हैं। तो एक पोलिंग सेंटर पे सर कितना खर्चा? एवरेज है हम लोगों के यहाँ 10 के आसपास आता है, जो अदर जो खर्चे हैं वो अलग, तो मतलब क्या कैश देना वोटर निकालने के लिए? हाँ वो तो कैश देना, तो लगभग पोलिंग बूथ को देते हैं वोटर्स को देना? नहीं नहीं, पोलिंग बूथ का जो हमारा एक टीम रहता है जो 20 लोगों की टीम होती है उसको देते हैं, जो उसके हेड है कन्वीनर उसको देते हैं, तो मतलब वो पड़ता है मतलब 2.5 करोड़ के आसपास तो ये हो गया। हाँ कई जगह हेलीकॉप्टर वगैरह है, कई जाना है, तो 2.5 करोड़ के आसपास आपको लगभग इसी का बजट है। हाँ और दूसरा बड़ा खर्चा क्या होगा इसके अलावा? एक के करीब है गाड़ी वाड़ी, एक व्हीकल्स का रहता है, व्हीकल्स के भी करीब है 1 के आसपास व्हीकल का जाता है, 1 करोड़ के आसपास। और विधानसभा करीब है 30 व्हीकल्स करीब करीब देना पड़ता है विधानसभा, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ रहता है। और उसके अलावा बड़ा खर्चा इसके अलावा मैनेजमेंट में और ये जैसे कागज है बाकी पोस्टर सीडी है बैनर वगैरह फ्लैक्स ये सब वगैरह ये जो लगता है जी, ये इसमें इसका एस्टीमेट अलग रहता है कि इसका सारा इसके, फिर भी इसमें भी लगभग में हाँ करीब 15-20 लाख रुपए इस पर खर्चा होता है, ज़्यादा इसका नहीं ज़्यादा कहा कुछ है, जैसे हमारे पॉलिटिशियन का है कोई हेलीकॉप्टर की सेवा कराए तो उसमें करीब है 2.5 लाख के करीब करीब सभा की खर्च करता है, करीब एक सभा में उसका हेलीकॉप्टर का जितना टाइम है उनका टाइम उस हिसाब से वो रहता है, और बाकी उसका प्लानिंग फिर पब्लिक को करना उसमें गाड़ियाँ घोड़ा लगाना ही
हाँ वो करते हैं हम लोग, जैसे कम्युनिटी के आधार पर किस पार्टी को हमको मैनेज करना है चुनाव जीत के लिए। जैसे हम इंडिपेंडेंट लड़ाए, इंडिपेंडेंट जैसे मेरे यहाँ बैगाल है, वो टोटल थ्रोअर वो क्या है, कांग्रेस को वोट करता है। एक हमारा कोल है वो कांग्रेस को वोट करता है। तो इनमें से हम किसी ना किसी कैंडिडेट को, एक एक कैंडिडेट लड़ाते हैं, तो इसमें से 25-30 हज़ार वो कम्युनिटी बेस पे चला जाता है, तो वो अपने लिए प्लस हो जाता है। इसमें एक्सपेंसेस आता होगा आपको? उसमें हम लोगों को देना पड़ता है 10-15 ऐसा करके देना पड़ता है, 10-15 लाख से ज़्यादा। अब क्योंकि 2-4 लाख में तो नहीं होता, हम लोग कम से कम 5-6 हमारा विधानसभा के अंदर जाता है, विधानसभाओं में भी हम लोग यही करते हैं, 5-6 लाख रुपये देते हैं, बाकी वो अपने तरीके से करते हैं। 5-6 लाख रुपये उनको गाड़ियों का दे दिए या कुछ माइनस कर दिए, साहब के अंडर में जो विधायक रहते हैं ना उनको जो खर्चा होता है विधानसभा के अंदर उतना यूज किया, तो इस आधार पे वो रहता है। तो सारा पैसा कैश में देना पड़ता है इनको? हाँ। दारू वगैरह भी तो सर उसका भी तो होगा, दारू वगैरह का भी तो होगा? वही मतलब कुछ मैनेज करना पड़ता है, जैसे कहीं डिमांड रहता है, ये है लोग तो कुलस्ते साहब देखिए आपको पूरा पूरा जो है मौका दे रहे हैं हम जवाब देने का। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी सीना चोरी का मसला है, आप ये सुन भी रहे हैं, आपने खुद को देखा भी कि अब भी आप झुटलाएंगे आपने जो कुछ कहा वीडियो में। इस प्रकार की चोरी और सीनाजोरी का काम कभी करते नहीं, और इसलिए चुनाव में जो हकीकत है, मैंने कांग्रेस के बारे में जिस प्रकार का प्रयोग करता है, तो मैंने चुनाव में जो इन्वेस्ट करते हैं मैंने इसके बारे में कहा, और ये नहीं कहा कि हम लोग इतना खर्च करते हैं, ये कभी नहीं कहा। इस बात के लिए जो भी है चुनाव आयोग इस बात को देखता है, चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेता है। नहीं नहीं कुलस्ते साहब आप कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, दायरे में आता है कुलस्ते साहब, माफ हम लोग खर्च कुलस्ते साहब आप कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत लंबा स्टिंग है, इसका एक छोटा पार्ट हमने वापस से आपको सुनवाया है। आप बकायदा अपने ठिकानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अपने नागपुर के बारे में, जबलपुर के बारे में, आपके तालकटोरा रोड स्थित निवास के बारे में, कांग्रेस के लिए आप चंदा थोड़ी ना कलेक्ट करेंगे? नहीं नहीं उसके साथ स्मिता ये भी करें कि वैसे तो हम लोग 10 करोड़ में आराम से लड़ते हैं। ये गलत है, मैं आपको 99% इस बात के लिए कह सकता हूं कि ये जो कुछ भी स्थिति है हमने कभी किसी प्रकार का ना तो किसी आदमी से कोई सहयोग की बात किया ना कोई अपेक्षा किया। सर 90 से 99% बोल रहे हैं, मतलब 1% तो कबूल रहे हैं कि आपने कहा। अपने मेहनत परिश्रम से चुनाव को लड़ते हैं। एक मिनट स्मिता, जरा कुलस्ते साहब धैर्य से सुनिएगा, जो आपने कहा जो अभी नहीं सुन पाए वो मैं बता रहा हूँ। आपने कहा जब आपसे पूछा गया कि कैसे 5 करोड़ किस चीज में खर्च होता है, मोटा मोटा एक्सपेंस बताइए, आपने खर्चे का हिसाब दिया अलग अलग ब्लॉक में, बहुत लंबा स्टिंग है। आपने कहा कि जैसे किसी को शराब पिलाना पड़ता है, किसी को बकरा खिलाना है, ये सब करना पड़ता है, कोई कैंडिडेट वाला मसला आ गया, मतलब डमी कैंडिडेट आप खड़े करते हैं अलग अलग 2-3 कैंडिडेट पार्टी में, उसको मैनेज करते हैं, इन सब के लिए उन सब के लिए नहीं नहीं आप अपनी बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ता आप आप अपनी एक मिनट रुकिए, इसलिए एक बार फिर सुन लीजिए। आपने कुलस्ते साहब कहा है कि कभी कभी हम लोग थोक एरिया के हिसाब से बांटते हैं, लास्ट में हमने 2 करोड़ दिए थे, ये आपका स्टेटमेंट है। आपने कहा लास्ट में हमने 2 करोड़ दिए थे, जब आपने कहा हमने दिए थे, ये आप जो कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं, आज भी कह रहा हूं, हमारे आदिवासी देवता हैं और मैं उस स्थान पे खड़ा हूं, 2 करोड़ रुपए हमने देश में गलत काम करने वाले वोट खरीदने वाले लोगों का पर्दाफाश मैंने किया था, ये हिंदुस्तान और पूरे दुनिया को पता है, हमने हिम्मत और साहस सर दुनिया को पता है कि आप जेल जा चुके हैं, पहचान को दुनिया को पता है कि आप तीसरी बार स्टिंग ऑपरेशन में गलत काम किसी ने कोशिश किया उसका दुनिया ने उसको देखा है, दुनिया ने आज आपका स्टिंग ऑपरेशन देखा है कुलस्ते साहब, दुनिया ने आपका स्टिंग ऑपरेशन देखा है, दुनिया ने आपको जेल जाते देखा है, दुनिया ने अभी देखा है जो भारतवर्ष ने 20-25 मिनट तक आपको दिखाया, चोरी हमने नहीं किया, जिन लोगों ने गलत तरीके से अगर जेल का इस्तेमाल किया, इसके बाद कोर्ट ने क्यों निर्दोष साबित किया, निर्दोष साबित किया, अगर एक भी आरोप उस पे से सही पाया गया होता तो हम जेल के अंदर नहीं रहते,
जेल राजनीतिक दुराग्रह से अगर जेल भेजा गया, मैंने कहा कि हम जेल भी बर्दाश्त करेंगे परंतु अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत ढंग से लोगों के स्वाभिमान सम्मान को खरीदने का कोई काम करता साहब, है कुलस्ते साहब हम नहीं कर सकते कुलस्ते साहब एक मिनट। अच्छा है, रैली नहीं है सर, ये एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें आप फंसे हैं या अपनी जनता को संबोधित नहीं कर रहे, कुछ फैक्ट पर हम बात करते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश आप दे रहे हैं। आपका एक मिनट सुन लीजिए, फिर शुरू हो गए, एक मिनट सुन लीजिए, कुलस्ते साहब सुन लीजिए, जो स्टिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुलस्ते साहब, आपसे पूछा गया कि आपने है कि अपने यहां देखो लगभग इस समय जाएगा, हमारे यहां लगभग 12 करोड़ के आसपास गया था पिछला, रिपोर्टर ने कहा 12 करोड़ के आसपास, आपने कहा हां क्योंकि आदिवासी हैं तो इसलिए इतना खर्च तो नहीं आता, लेकिन इस समय थोड़ा माहौल ज्यादा है तो ये इस बार 15 से 20 करोड़ जाएगा। सुन लीजिए कोई रिकॉर्ड करके जनता के सामने कहे ये तो गलत बात है, ये बेईमानी है, मैं आज भी कह रहा हूं। आप बेईमानी कर रहे हैं वो नहीं है, और आप एक्सपोज हो रहे हैं वो बेईमानी में कह रहा है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने का काम चुनाव आयोग का है, मेरा नहीं है, किसी स्टिंग ऑपरेशन करने वाले का नहीं है। हमने कोई चोरी नहीं किया कि हमने चुनाव के लिए किसी को चंदा हमने नहीं लिया, हमने अपने निस्वार्थ भाव से हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत, हमारे पूरे मित्रमंडली सोसाइटी की ताकत पर चुनाव को लड़ते हैं, और इस निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुझे नहीं, अभी तक सांसद चुना है। फगन सिंह साहब, ये सातवां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, एक बार मैंने चुनाव हारा। फगन सिंह साहब, दो चीजें आप कह रहे हैं, अभी पहले आप कह रहे थे कि मैं 90 से 99 फीसदी तक श्योर हूँ कि जो बातें हैं वो गलत है, एक फीसदी का आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया और जिसकी वजह से लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है जब आप झुटला रहे इन मामलों को। दूसरा बात आपने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला चुनाव आयोग का है, नहीं आपने कहा कि चुनाव आयोग के इन्वेस्टिगेशन का मामला है, वो चुनाव आयोग अगर हमसे टेप्स मांगेंगे, TV9 भारतवर्ष जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते अनएडिटेड टेप्स चुनाव आयोग को देने के लिए तैयार है। आपसे हम साफ-साफ पूछ रहे हैं, आप जिस 12 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं पिछले चुनावों के बाद और इस चुनावों में ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है, काले धन का इस्तेमाल हो रहा है, आप वोट खरीद रहे हैं। कुलस्ते साहब, मुझे लगता है सिग्नल फ्रीज हो गया है अजीत यहां पर। जी तो ये आपने सुना, फगन सिंह कुलस्ते को राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने कभी ऐसी गलती नहीं की और जो भी कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, देश सेवा के लिए कर रहे हैं, इलाके की सेवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में, TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में अंडर कवर रिपोर्टर ने जिस ढंग से उन्हें खुफिया कैमरों में जो कुछ कहते हुए कैद किया, उससे फगन सिंह कुलस्ते का वही चेहरा आया जो सुबह से बाकी सांसदों का आया, जिससे पता चलता है कि देश में चुनाव में काले धन का कितना इस्तेमाल होता है।